जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 11। हाँ, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। हियर इज द क्वेश्चन, लेट एफ जी जी सच दैट आर मैप्स टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। एफ और जी दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एफ ऐसे डिफाइंड है, जी ऐसे डिफाइंड है, आपको इनका सम डिफरेंस और डिवीजन शायद बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिख रहा होगा। हाँ, मान लीजिए कि एफ जी यानी एफ और जी दोनों आर मैप्स टू आर, क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है। तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी ज्ञात कीजिए। तो देखने से लग रहा है कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेवेंथ नंबर पे इसको दिया हुआ है ना। तो चलिए करते हैं। पहला फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज डिफाइंड एज 2x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड f प्लस जी। तो क्या तरीका है लिखने का, आप ऐसे लिखोगे f प्लस जी और फिर ये x। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट विल बिकम एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 और जी एक्स क्या है, 2x माइनस 3। तो 2x प्लस x इट इज़ 3x और 1 माइनस 3 से कितना आया, 2। और आपको स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था, एफ एंड जी बोथ आर मैप्स टू आर है, यानी डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है, ठीक है, या इनके सबसेट से, ठीक। तो जो हमारा आउटपुट आया क्या वो आर में है, हाँ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको इनका डिफरेंस बताना है, एफ माइनस जी इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स है 2x माइनस 3। तो एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो 4 माइनस एक्स, ऐसे लिख लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें भी ये भी रियल है ना, तो टेंशन ही नहीं है। थर्ड पार्ट में आपको f अपॉन जी ऑफ x बताना है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा, जस्ट अ मिनट, ऐसे ये होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स प्लस 1 और जी एक्स क्या है 2x माइनस 3। अब आउटपुट तो रियल आएगा अगर हम डोमेन संभल कर दें। अब डोमेन में हमें क्या संभलना है कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी ज़ीरो, हर को शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर डोमेन 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा हो जाए चलेगा, यहाँ पर चलेगा, है ना, ये कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ज़ीरो से छोटा हो जाए चलेगा, ज़ीरो से बड़ा तो चलेगा ही चलेगा, बट एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब x को 3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका डोमेन क्या हुआ, आपका डोमेन थोड़ा सा चेंज हो गया, रियल तो है बट उसमें 3/2 नहीं है, 3/2 के अलावा सभी रियल नंबर्स इसके लिए डोमेन है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2, क्लियर। अब आ जाओ रेंज पर, तो डोमेन आप इतना संभल के दे रहे हो तो रेंज को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेंज तो फिर आ रही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8। लेट, देखना बच्चों, लेट एफ इज 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या है, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। तो फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी, डिटरमाइन ए एंड बी। तो हिंदी में भी देख लें हम इसे, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि f बराबर 1 1
टू थ्री, जीरो माइनस वन और माइनस वन माइनस थ्री, जेड से जेड में एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है। ए और बी को निर्धारित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं यहाँ पर आपका वो जो सेट इन्होंने दे रखा है ना, पहले फंक्शन लिख लूँ एफ। ये क्या है? ये जेड टू जेड है। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब, लेकिन साबुत, होल नंबर्स। तो आपका जो सेट है एफ वो दिया हुआ है वन वन टू थ्री, ज़ीरो माइनस वन एंड माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये इस तरह से डिफाइन है, ए एक्स प्लस बी, इस तरह से ये परिभाषित है, ठीक। अब आप एक बात सोच सकते हो कि मैम ये तो जेड टू जेड है और जनरलाइज वे में ए एक्स प्लस बी है, तो ये केवल चार ही एलिमेंट क्यों? क्योंकि डोमेन जब जेड है तो पूरा जेड है, तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। यस, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बट दे हैव टेकन ओनली फोर आउट ऑफ देम। उनमें से केवल चार लिए हैं इन्होंने एज अ सैम्पल, और आपको ये बताना है कि ए एक्स प्लस बी में ए और बी क्या है, यानी कि अगर इनको कॉन्स्टेंट्स डाला जाए तो फंक्शन एक्चुअल में क्या है। दीज आर द एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? एक्स। सेकंड क्या होता है? वाई। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होता है, ठीक है। लेकिन अब हम एक चीज़ और सीख गए थे फंक्शन, जब हमने सीखा कि सेकंड एलिमेंट इज द एफ इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की एफ इमेज होता है। तो एफ वन इज वन, एफ टू इज थ्री, एफ ज़ीरो इज माइनस वन, एफ माइनस वन इज माइनस थ्री। सेकेंड फंक्शन इज द एफ इमेज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, गॉट इट। तो अगर मैं फर्स्ट केस लूँ तो एक्स क्या है? वन, और एफ एक्स क्या है? वन, क्लियर। एफ एक्स भी वन और चांस की बात है एक्स भी वन। तो इन फर्स्ट केस एफ एक्स आपका वन है, और यहाँ पर भी आप एक्स के प्लेस पर लिखने वाले हो वन, तो आपको मिल गया ये ए प्लस बी, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए। सेकंड केस में आपका एफ एक्स कितना है? थ्री। एफ इमेज है थ्री, और एक्स के प्लेस पर आपको लिखना होगा टू, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस बी टू। सेकेंड इक्वेशन आ गई है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, टेंथ क्लास में फर्स्ट चैप्टर में सीखा है हमने। और ये हो जाएगा टू ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बी से बी कैंसिल, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू, दैट इज इक्वल टू टू। यू आर गेटिंग ए इज इक्वल टू टू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, ए का मान समीकरण एक में रखने पर टू रख दिया, इधर जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वन। ए आ चुका है टू और बी आ चुका है माइनस वन, और जो हमारा फंक्शन था, हमारा फंक्शन था ए एक्स प्लस बी, और वो अब सहसंबंध क्या हो जाएगा? टू एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अब ये जो दो एलिमेंट्स और इन्होंने दे रखे हैं, इनका कोई यूज़ तो हुआ नहीं, चलो टैली कर लेते हैं, टैली करने में इनका यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या बना है? हमारा फंक्शन बना है 2x माइनस वन, इट इज़ टैली। अगर मैं x के प्लेस पर 0 दूँ तो 2 जीरो ज़ार 0 माइनस वन आ गया, करेक्ट है। अगर मैं माइनस वन दूँ तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, करेक्ट है। मतलब ये हमने टैली करने में यूज़ कर लिए, और हमारा काम तो शुरू के दो पेयर से ही हो गया था, समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। सी क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब डोमेन भी एन और रेंज भी एन। ये अभी रिलेशन है बेटा, फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। इट कैन बी फंक्शन, और हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो आर क्या है? ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपको रिलेशन दिया है। एंड सॉरी हाँ, आर द फॉलोइंग ट्रू? पहला,
ए ए बिलोंग्स टू आर, ये जो आपका सेट है ना बेटा, ये रिलेशन का सेट है, आपको मैंने अभी अभी बताया, ये रिलेशन संबंध का सेट है, कहाँ गया ये रहा, और इसके अंदर जो रिलेशन डिफाइन है वो आपको बताना है कि क्या, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं क्या ए ए इसका एलिमेंट हो सकता है, फिर पूछ रहे हैं क्या ए बी आर में है तो इसका मतलब बी ए बी आर में होगा, ऐसा हो सकता है क्या, तीसरा पूछ रहे हैं कि ए बी आर में है, बी सी आर में है तो क्या ए सी भी आर में होगा, ये आप 12th चैप्टर में, फर्स्ट 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में जो आप रिलेशंस पढ़ेंगे ना, तो ये इक्वी बैलेंस रिलेशन की कंडीशंस हैं, ठीक है, ये इक्वल रिलेशन की कंडीशंस हैं, तो उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए आपको दी है, एंड में बोल रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, तो ऑब्वियसली हम उसका रीज़न तो लिखेंगे ही, है ना, हिंदी वाले देख लो क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए आर इज इक्वल टू ए बी, ऐसा है कि ए और बी दोनों एन यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं तथा ए बराबर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध आर है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, ये चार दो तीन कथन है बेटा, ये आपको बताने हैं, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, और संबंध हमको क्या दिया है कि बी जस्ट अ मिनट इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो रिलेशन ऐसे है, रिलेशन है ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं हैं एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है कि ए बराबर बी स्क्वायर यानी कि जो पहला होगा ना वो दूसरे का वर्ग होना चाहिए, पहला दूसरे का वर्ग, तो थोड़ा एग्जांपल ले लें क्या, हम एक एग्जांपल से कुछ सेट्स तो ले ही सकते हैं ना, तो पहला तो 1-1 हो जाएगा क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अच्छा दूसरा क्या, अगर मैं b को 2 लूँ तो मुझे a को 4 लेना होगा क्योंकि a इज़ इक्वल टू b स्क्वायर, तो अगर 2 लिया तो ये 4 होगा, अब अगर मैं इसको 3 लूँ तो मुझे इसको 9 लेना होगा, 4 लूँ तो 16 एंड सो ऑन, तो थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने लिए। अब फर्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ए ए आर को बिलोंग करेगा, ये उनका क्वेश्चन है, तो ए ए केवल 1 अगर हो, ए की वैल्यू अगर केवल 1 हो तब तो कर रहा है, बट अगर मैं ए को 1 के अलावा कुछ भी ले रही हूँ तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ़ वी टेक, हिंदी में लिख लेंगे यदि a बराबर 1 तब देन 1-1 विल बिलोंग टू r, ठीक है, a 1-1 r में है, बट परंतु a बराबर 2, 3, 4 क्योंकि ये नेचुरल है ना बेटा तो ऐसे ही लेने हैं इन्फिनिटी तक के लिए, यह संबंध उचित नहीं है, ठीक है, इट विल नॉट होल्ड फॉर a इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, तो ये आपका नो आ गया, नहीं है। सेकेंड में वो ये बोल रहे हैं कि अगर a b r में है, अगर a b r में है तो क्या b a भी r में होगा, अब बताइए आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत बची, कितना तो सिंपल है, आप खुद भी बोल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो नंबर एक दूसरे के स्क्वायर हो जाएं, एक्सेप्ट 1-1, गॉट इट, तो यही सब कहानी आप यहाँ लिख लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखना है कि अगर, अच्छा नहीं एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना, तो बोल देंगे केवल 1 के लिए 2 है, इस चीज़ को तो लिख लेंगे कि यह संबंध केवल a और b, केवल a बराबर b बराबर 1 के लिए सत्य है, अन्यथा ये असत्य है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये सभी के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मैंने पहला लिया, ये मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 4 लेती हूँ मैं, b को चलिए मैंने 4 लिया तो a कितना हो गया 16, ठीक, तो ये 4, 16 कर रहा है क्या,
तो अगर ये आर में है तो ये आर में नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। कंडीशन बोलती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, आई थिंक यही है ना, नहीं सॉरी, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर तो ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो अब इसको वर्ड्स में लिख लेना, थोड़ा सा मेरा टाइम बचेगा और आपका भी बचेगा। इन चीज़ों को वर्ड्स में लिख लेना कि इट इज़ ट्रू ओनली फॉर ए इज़ इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन, फॉर अदर्स इट इज़ नॉट होल्डिंग। नाउ पार्ट थ्री, थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या ए सी करेगा आर को बिलोंग? नहीं करेगा। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, बट अब इसको अपन शो करते हैं। तो समझिए, यहाँ पर भी मैंने ए को लिया 16 और बी को लिया 4, तो यस ये तो होल्ड कर रहा है। यहाँ लिख दीजिए ए इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 4। फिर मैंने लिया 4 एंड 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, और ये देखो ए बी बी सी, तो मुझे ये एक जैसा रखना है, समान रखना है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो बी तो सेम होना चाहिए ना। तो मैंने एक एग्जांपल ये लिया, तो ये 4 ये भी 4, लेकिन 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 ये भी कर रहा है, बट क्या 16 और 2 बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो 4 टाइम्स हो गया 16 तो 2 का, है ना, कहाँ स्क्वायर थोड़ी रहा। तो ये भी वर्बल ही थे, बहुत आसान थे, मामूली थे जिसको मैं कहूँगी। तो इनको भी आप अपने शब्दों में डिटेल थ्योरी लिख दीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। नाउ कम टू द क्वेश्चन। मान लीजिए कि ए इज टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, और f इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? f a से b में एक संबंध है, f a से b में एक फलन है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। अगर ये नहीं कहते तो क्या हम नहीं बतलाते? बतलाना तो पड़ता है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, B is equal to 1 5 9 11 15 16, and F is equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 and 2 11. Are the following true? F is a relation from A to B. F is a function from A to B. Justify your answer in each case. Okay. तो रिलेशन बेटा क्या होता है? रिलेशन तो सबसे सिंपल चीज़ होती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कि आपको दो सेट्स दिए हैं, तो बस पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का हो गया रिलेशन। तो ए सेट आपका है, ए है आपका 1 2 3 एंड 4, और बी सेट है 1 5 9 11 15 एंड 16, ठीक। और ये जो एफ सेट दिया है, इसमें एक तो है 1 5, फिर है 2 9, और फिर है 3 1, फिर है 4 5, और फिर है 2 11, ठीक। अब आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन है, पहला केस, क्या एफ ए से बी में एक संबंध है, रिलेशन है। तो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी फ्रॉम ए, तो 1 2 3 4, अगेन 2, तो ये 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट सेट में से हैं, ठीक है। सेकंड 5 9 1 5 11, तो ये सेकंड सेट से हैं, तो इसने तो अपनी कंडीशंस फुलफिल कर ली, तो यस इट इज अ रिलेशन। आप यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, सिंस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर belongs to A and second to B, therefore it is a relation, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए में है, तथा दूसरा अवयव
प्लीज़ 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 हैंड राइटिंग को मत देखना। दूसरा अवयव समुच्चय बी में है, अतः एफ एक संबंध हुआ या संबंध है। ठीक, इसके बाद सेकंड, अभी पूछने लग गए कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन की कंडीशन क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सेम हो रहा है, टू की इमेज 9 भी है, टू की इमेज 11 भी है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन ज़रूर था बट ये फंक्शन नहीं है। आप लिखेंगे टू हैज़ टू इमेजेस, therefore it is not a function। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। हाँ, अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे जैसे आपको आता है। हिंदी वाले लिख लेंगे अवयव दो के दो प्रतिबिंब है। समझ गए, प्रतिबिंब है। आप लिखेंगे अवयव दो के दो प्रतिबिंब है, अतः एफ एक फलन नहीं है। बाकी आप थोड़े से डिटेल स्वयं लिख लीजिएगा। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ ऐसा है, एफ इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, और ए और बी दोनों क्या है, ये इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। अब जेड क्रॉस जेड यानी कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जो इंटीजर सेट से हों और इस कंडीशन को फॉलो करते हों, वो सब जेड क्रॉस जेड में आने वाले हैं। ठीक है, ठीके? और इसका सबसेट यानी इसका उपसमुच्चय ये एफ है। क्या एफ Z से Z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि इस रिलेशन को फॉलो करने वाला हमारा F क्या फंक्शन बनेगा? Let F be the subset of Z cross Z defined by F is equal to AB A plus B such that A and B both belongs to Z. Is F a function from Z to Z? Justify your answer. ठीक, तो चलिए देखते हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन हम अपने माइंड में रखते हैं। हमारे को जो फंक्शन टाइप नाम से जो एक सेट दे रखा है उसका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ए बी ए प्लस बी, वेयर बोथ बिलोंग्स टू जेड, वो बोथ आर द एलिमेंट्स फ्रॉम जेड, ऐसे ही लिख देते ए बी ऐसे बिलोंग टू जेड ऐसे। ठीक, बोथ के साथ शायद बिलोंग बोलना चाहिए मुझे, मैं बिलोंग्स बोल रही हूँ। ओके, ये हुआ। अब हम ऐसा ढूंढते हैं कि जिनका प्रोडक्ट सेम आता हो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 8, अपने मन में सोच लेती हूँ 8, तो 8 का प्रोडक्ट 1 × 8 भी होता है और 2 × 4 भी होता है ना। तो फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस में मैंने लिया ए को 1 और बी को लिया 8, है ना। तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा बताइए मुझे? ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलने वाला है 1 × 8 8 एंड 1 + 8 9। ठीक, इफ आई टेक ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4, देन अगेन फर्स्ट एलिमेंट आई विल गेट 8, 2 × 4 = 8, बट अभी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? 6। गॉट इट? समझे आप कि मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जिन ऐसे एक नंबर लो जिसके दो फैक्टर्स को मैं मतलब ऐसे कर सकूं मल्टीप्लाई तो मुझे वही नंबर वापस मिले, ऐसे अचानक से सोच लिया 8। 8 के फैक्टर्स 1 × 8 2 × 4, तो पहले ए को 1 लिया और बी को 8, तो 8 और 9 मिल रहा है। फिर मैंने ए को 2 और बी को 4, तो फिर से 8 और 6 मिल रहा है आपकी बार। तो एक फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया और इन दोनों की इमेजेस, इस नंबर की दो इमेजेस हो गई। समझे आप? तो अब इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लोगे। आपको बस ये लिखना है कि एक इमेज, एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कि ए 9, 10, 11, 12, 13 तथा एफ सच दैट ए मैप्स टू एन, यानी आपका डोमेन होना चाहिए ए में से, हाँ, और जो आउटपुट यानी जो रेंज आएगी वो नेचुरल होनी चाहिए, यानी कि एफ एन इज इक्वल टू एन, ए और ये एक ही चीज़ है। क्लियर, ये इन्होंने दो तरह से लिख दिया।
का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए, तो बहुत इजी है। महत्तम यानी कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ये रही आपकी इंग्लिश की बुक। लेट ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ सच दैट ए मैप्स टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एन, ठीक। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करें, ये देखिए मैं तो अपना वही यहाँ से इसको ऐसे हाफ करूँगी और यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, हमको जो फंक्शन दिया है वो ऐसे दिया है, एफ एन शुड बी एन, दिख रहा है आपको, देखो ये ऐसे दिया है, एफ एन इज इक्वल टू एन ऐसे, ठीक। और जो हमारा फंक्शन है ना वो ए मैप्स टू एन है, और ए क्या है, ए है आपका 9, 10, 11, 12 and 13, गॉट इट। तो चले अब हम सेट्स बनाना, मतलब जो एफ सेट है वो बनाना, जो फंक्शन जिसको हम बोलेंगे वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एफ एन इज इक्वल टू एन, तो पहले एन लिया, एन क्या है 9, पहला ले रही हूँ मैं, पहला एलिमेंट एन यानी फर्स्ट एलिमेंट लिया 9। अब मुझे इसकी एफ इमेज लेनी है, और इसकी एफ इमेज क्या होनी चाहिए, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, महत्तम अभाज्य गुणांक। अब 9 के क्या होते हैं, 1 × 3 × 3, एक ही तो होता है, तो ये तो आ गया 3, पहला सेट रेडी हो गया। दूसरा का मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10। अब 10 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 and 5, तो 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो इन दोनों में से 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5, ठीक है। फिर मैंने लिया 11, तो 11 इट्सेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, तो 11, 11। फिर मैंने लिया 12, 12 के जब मैंने फैक्टर्स किए तो 2 × 2 × 2, तो ये भी कितना आ गया, 3। और फिर मैंने लिया 13, तो 13 का 13। तो इस तरह से ये अपना फंक्शन सेट कंप्लीट हुआ, और यस इट इज़ फंक्शन। अब आपको एंड में बताना क्या है, आपको बताना है रेंज यानी कि परिसर। तो परिसर क्या आया, एक 3 आया, देन 5 आया, देन 11, और जो 3 दोबारा आएगा ना सेट में, एक एलिमेंट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आपका 13। इस तरह से इन्होंने आपका कंप्लीट रिवीजन मिसलेनियस एक्सरसाइज में करवा दिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।